अफसर साहब लिख के दे दें कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, दिल्ली विधानसभा भंग होनी चाहिए तो दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इंसान है, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, गलत तो नहीं कह रहा जी, उनको अपनी कुर्सी बचानी है। आज अगर वो बीजेपी की बात ना माने, 5 मिनट लगेंगे बीजेपी वाले उठा के उनको कहीं और फेंक देंगे या उनको निकाल देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं उठो तो वो उठते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं बैठो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठते हैं। उनकी मजबूरी है, उनकी कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। बीजेपी वाले चुनाव नहीं चाहते, बीजेपी वाले क्यों नहीं चुनाव चाहते जी? मेरे को पता चला है, ये पत्रकार भाई बताते हैं कि बीजेपी वालों ने इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे में पता चला है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, इसलिए बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराना चाह रहे। कांग्रेस वाले भी चुनाव नहीं कराना चाह रहे, कांग्रेस वालों को पता है ये जो 8 कांग्रेस के एमएलए हैं इनको पता है कि 8 के बाद अगर आज चुनाव हो जाए पता नहीं 2 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कांग्रेस में। वैसे मैं दिल्ली वालों को बोल दूं, जब भी चुनाव होंगे इस बार कांग्रेस को वोट मत देना, वोट देना बेकार है, कांग्रेस को वोट खराब करोगे आप। फिर है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव चाहती है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है चुनाव की। मैं अंदर की बात बता दूं आपको भाई साहब, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं। आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए आम आदमी पार्टी की भाई साहब 40 सीट आएंगी, अक्टूबर में अगर चुनाव हो जाए आम आदमी पार्टी की 50 सीट आएंगी, फरवरी में अगर चुनाव हो जाए तो 55 सीट आएंगी, और अगर बीजेपी वाले ने फरवरी तक भी चुनाव नहीं कराए तो जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताओ, बनाओ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बीजेपी वाले यहां पे कहते फिरेंगे हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाओ, इनकी हालत ऐसी होने वाली है। तो हमको भाई साहब कोई जल्दी नहीं है, और 4 महीने बाद करा लेना इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो दिल्ली में चुनाव कौन चाहता है? दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है दोस्त। आज इतने लोग क्यों आए हैं पीछे तक, मेरे को दिख रहा है गोल चक्कर तक, पीछे गोल चक्कर तक भरा पड़ा है बिल्कुल, इधर भी पीछे भी खड़े हैं लोग, दिखाई नहीं दे रहा, वो स्पीकर पे सुन रहे हैं लोग, पीछे भी उधर भी इधर भी, इतनी जनता क्यों आई है जी? इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है, और दिल्ली की जनता कहती है अब और सहन नहीं होता, अभी चुनाव चाहिए हम लोगों को, तुरंत चुनाव चाहिए हम लोगों को, इसलिए दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है, इसलिए दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं बीजेपी वाले चुनाव नहीं चाहते, कांग्रेस के एमएलए चुनाव नहीं चाहते। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए की चलेगी कि दिल्ली की जनता की चलेगी। दोस्तों जनतंत्र में जनता की चलती है, एमएलए की नहीं चलती है। दिल्ली की हर वो महिला जो अपना घर चलाती है, जब वो सब्जी खरीदने के लिए जाती है, जब उसको 100 रुपए किलो टमाटर मिलता है, 40 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ता है, तो दिल्ली की हर वो महिला चाहती है कि चुनाव और इस महंगाई से छुटकारा मिले। दोस्तों अभी मैं आजादपुर मंडी के कुछ दिन पहले आजादपुर मंडी के कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया भाई साहब, मैंने उनसे पूछा जी महंगाई क्यों हो रही है इतनी, मैंने उनसे पूछा जी इतने सब्जियों के दाम क्यों बढ़ गए, तो उन्होंने कहा भाई साहब कुछ तो पीछे से सब्जी महंगी आ रही है, लेकिन जैसे ही सब्जियों और फलों का ट्रक दिल्ली के बॉर्डर में घुसता है सबसे पहले पैसे वहीं पे बॉर्डर में देने पड़ते हैं दोस्तों। फिर वो ट्रक जब तक आजादपुर मंडी में आता है
हर ट्रैफिक लाइट पे उसको पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। जब वो आजादपुर मंडी में घुसता है मंडी के गेट पे पैसे देने पड़ते हैं दोस्तों। मंडी के अंदर जब वो आड़ती को देता है बेचता है आड़ती भी दोस्तों 100 रुपए हर 20 किलो के टमाटर के ऊपर लेता है। 5 रुपए से 10 रुपए उसको चुंगी कहते हैं। वो चुंगी उंगी कुछ नहीं होती, वो बेसिकली सारा पैसा ऊपर अफसरों और नेताओं तक पहुंचता है। फिर वो जब वहां से टमाटर बाहर निकलता है आपके घर तक आता है तो फिर से आजादपुर मंडी के गेट पे पैसे लगते हैं, हर ट्रैफिक लाइट पे पैसे लगते हैं। और जो आपका रेडी वाला है वो एमसीडी वालों को पैसे देता है, वो पुलिस वालों को पैसे देता है, वो बिजली वालों को पैसे देता है, 5 एजेंसीज को पैसे देता है। महंगाई इस वजह से हो रही है दोस्तों। इन व्यापारियों ने मेरे को बताया कि किस तरह से हर 1 किलो टमाटर के ऊपर अगर ये रिश्वतखोरी बंद कर दी जाए तो कम से कम 25 से 35 रुपए तक सस्ती की जा सकती है टमाटर। दिल्ली के अंदर कम से कम 30 से 40 रुपए सस्ती की जा सकती है टमाटर। तो हर वो गृहिणी जो सब्जियां खरीदने जाती है उसको याद आते हैं वो 49 दिन जब पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, जब आजादपुर मंडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, जब चुंगी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। दोस्तों वो हर महिला आज दिल्ली के अंदर चुनाव चाहती है, आज वो हर महिला दिल्ली के अंदर चुनाव चाहती है। और मैं देख रहा हूं यहां पे खूब सारी महिलाएं आई हैं, वो यही मांग करने के लिए आए कि चुनाव कराओ और हमको महंगाई से निजात दिलाओ। दोस्तों अभी मैं ये बिजली के बिल देख रहा था जी, कई सारे लोग मेरे को बिजली के बिल दे के गए हैं। ये एक परिवार है, इनका नाम है मिस तारावती, ये झुग्गी में रहती हैं, हैदरपुर सिटी विलेज हैदरपुर। भाई साहब ये शीला दीक्षित जी के जमाने का बिल है इनका। शीला दीक्षित जी के जमाने में इनका 1,125 रुपए का बिल आया था। ये आम आदमी पार्टी के जमाने का बिल है, आम आदमी पार्टी के जमाने में 376 रुपए बिल आया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने का बिल है, 1,110 रुपए बिल आया है। 3 गुने हो गए भाई साहब बिजली के बिल, 3 गुने बिल हो गए। और पिछले 2 महीने में आपको पता है बिजली आई नहीं थी, बिजली नहीं आती, बिजली के बिल आ रहे हैं, 3 गुने बिजली के बिल हो गए। ये सारे दिल्ली के लोग जिनके बिजली के बिल 3-3 गुना हो गए हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव करवाए जाएं। इन्होंने देखा था कि 49 दिन के अंदर किस तरह से दिल्ली में बिजली के बिल कम हुए थे। इनको आज एक ही पार्टी पे भरोसा है, दिल्ली वालों को एक ही पार्टी पे भरोसा है कि अगर कोई महंगाई कम कर सकती है, अगर कोई अच्छी नीयत से काम कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी देश के लिए काम कर सकती है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है दोस्तों। अभी मेरे को कई लोगों ने बताया, मुझे कई लोगों ने बताया कि पिछले महीने इन्होंने अनाप शनाप लोड बढ़ा के भेज दिए। किसी का 2 किलोवाट का लोड था उसका 4 किलोवाट कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा जी, लोड बढ़ा बढ़ा के भेज दिए और 600 रुपए 1,000 रुपए मनमानी कर रखी है इन बिजली कंपनियों ने। लेकिन बिजली कंपनियों को कौन ठीक कर सकता है? केवल आम आदमी पार्टी। बीजेपी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, कांग्रेस 15 साल से मिली हुई थी इन बिजली कंपनियों के साथ। केवल आम आदमी पार्टी की हिम्मत थी जो उन्होंने सीएजी का ऑडिट करवाया। और अगर आप लोगों को याद हो 30 जनवरी का दिन था, इन बिजली कंपनियों ने, जब मैं मुख्यमंत्री था दिल्ली का, इन बिजली कंपनियों ने धमकी दी थी मेरे को, इनको सरकार की पेमेंट करनी थी। इन्होंने कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे और अगर हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम पूरी दिल्ली में अंधेरा कर देंगे, दिल्ली की बिजली काट देंगे। 1 फरवरी को मैंने इनको कहा था कि बिजली कंपनी वालों, अगर तुमने दिल्ली की बिजली काटी तो तुमको दिल्ली से भगा देंगे, नया लाइसेंस दे देंगे, नई कंपनी ले आएंगे तुमको। बोला था कि नहीं बोला था?
सात दिन के अंदर ये कंपनियां ठीक हो गई। सात दिन के अंदर 8 फरवरी को इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की बिजली नहीं काट रहे। आम आदमी पार्टी अगर इन बिजली कंपनियों को ठीक कर सकती है तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती, जिन बिजली कंपनियों ने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली के अंदर, मिले हुए हैं ये। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, मिले हुए हैं जी ये। पहले कांग्रेस मिली हुई थी, अभी जब एक दिन 30 मई को दिल्ली में बहुत भूचाल आया था, आंधी आई थी बड़ी तेज और बिजली कट गई पूरी दिल्ली की, 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, तो उनसे पूछा जी फिर बिजली क्यों जा रही है, कह रही है वो आंधी आई थी, बिजली के खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर खराब हो गए, अभी 15 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब, एक तरफ तो कह रहे हो बुलेट ट्रेन लाएंगे, तुमसे खंभे 24 घंटे में ठीक नहीं होते, तुमसे ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होते 24 घंटे में, दिल्ली चला रहे हो कोई धर्मशाला चला रहे हो। तो दोस्तों, एक ही निष्कर्ष निकलता है, इनकी नीयत खराब है, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं, बिजली कंपनियों को ठीक नहीं कर सकते ये लोग दोस्तों। तो हर वो आदमी दिल्ली के अंदर जो आज बिजली से परेशान है, बिजली के बिलों से परेशान है, वो चाहता है कि चुनाव करवाए जाएं। कल अरुण जेटली जी ने एक सभा ली थी, वहां पे मुझे पता चला कई आरडब्ल्यू वाले पहुंचे थे और वो बैनर लगा के खड़े थे, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। दोस्तों याद करो वो 49 दिन में जहां जहां पानी की पाइप है, उन पाइपों में पहले अगर आधा घंटा पानी आया करता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, तो 4-4 घंटे पानी आने लगा था आम आदमी पार्टी के टाइम पे। और जहां पाइपलाइन नहीं है वहां पे ये पूरा टैंकर माफिया खत्म कर दिया गया था और दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर फ्री में पानी सप्लाई करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी, फिर से पूरी दिल्ली के अंदर ये टैंकर माफिया शुरू हो गया। दोस्तों पिछले साल 1200 रुपए का एक टैंकर बिकता था, इस साल मुझे बता रहे हैं लोग 4000 रुपए का एक टैंकर बेच रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब।